दोस्तों आज हम जिस अघोरी महिला साधु से मिल रहे हैं, वो उनका नाम मंजू है। वृंदावन में हम आपको उनको मिलवा रहे थे, लेकिन जो मुलाकात थी वो नहीं हो पाई किन्हीं कारणों की वजह से। आज मंजू अघोरी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी क्रियाकलापों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप ही का नाम मंजू है? हाँ, मेरा नाम मंजू है। आप पूजा का काम करती हैं? आप अघोरी? अघोरी साधना करती हूँ। अघोरी क्या क्या अघोरी क्रियाएं होती हैं? जो हम गड्ढे में साधना करते हैं, जो अंदर गुफा में करते हैं, जो मैंने ये गुफा बनाई थी, जो इस गुफा को इन लोगों ने दफनाया दिया गया है। क्या करती हैं गुफा में? उसमें अपना पूजा तंत्र मंत्र करते हैं। इस पचुंची को मैंने गड्ढे में से निकाला है, जो ये मरा हुआ था, इसको मैंने अपने तंत्र मंत्र से इसको मैंने अपने जीवित किया है। ये देखो, इसको चोट भी लगी तो, हुई है। हाँ, चोट लगी है, लगी हुई है, देखो। ये देखो, तो आप ये जो साधना जैसे बता रही हैं कि गड्ढे में करती हैं, हाँ। तो ये साधना ऊपर नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ये है ना, कोई देखना नहीं चाहिए, टोटका है। टोटका देखने से भंग हो जाता है, इसलिए हम अंधेरे में काम करते हैं। जो अंधेरे का काम होता है वो उजाले में नहीं होता है। अच्छा, मैंने देखा जो दूसरे अघोरी होते हैं वो शमशानों में क्रिया करते हैं? करते हैं, पर वो खलनायक होते हैं। जो गंदे काम करते हैं वो करते हैं, हम गंदे वाले नहीं। हम बचपन से साधना की है, तो बचपन से हम वैष्णवी हैं, जो हम वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। जो ये गड्ढा खोदा था ना, जो स्वयं वैष्णो देवी माता ने खोदा था, मैंने नहीं खोदा था, जो मेरे प्या के उन्होंने खुदवाया था। और उन्होंने ही बताया कि बेटा, जहाँ तक ये बच्चा आपको मिलेगा नहीं, तब तक आपको खोदना है, चाहे तुम पाताल तक क्यों ना जाए। ज्यादातर देखा है कि जो अघोरी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है, और वो स्वीकार भी करते हैं कि अघोरी शराब पीते हैं, हाँ पीते हैं, मांस खाते हैं, हाँ खाते हैं, और मुर्दों पे रोटी सेकते हैं, या उस तरह की। ऐसे मेरे को भी सिखाया गया था, मेरे को भी करवाया गया था, पर इससे है ना प्रभाव अलग होता है। ये है ना खतरनाक होता है, कि किसी पे भी जानलेवा हो सकता है, पर हमको किसी की जान नहीं लेनी है, हमको इसको चेंज करना है। ऐसी पद्धति से नहीं, जो हम अपनी पद्धत चाहते वो पद्धत करेंगे, तो कोई आपके गांव में मतलब परेशानी। ये मुर्दे पे बना बना के खाते, ये बीमारी पैदा कर रही है अपने हाथों से। बीमारी ये कोरोना वायरस हो रहा है ना, ये अपने हाथों से कर रही है कोरोना वायरस। ये अपने हाथों से ये मांस मदरा खा रहे फिर मर रहे, वही बीमारी हड्डी अपनी वहां जा रही है, जमुना में सही फेंक नहीं रहे, इधर उधर जानवर खा रहे, मर रहे आदमी, इसलिए ये बीमारी चालू हो रही है। मैंने ज्यादातर अघोरियों को देखा है, जब अघोरियों से हम मिलते हैं तो उनके पास हड्डी वड्डी होती है, ये सब, वो एक कपाल सा होता, पता नहीं क्या क्या होता है। हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हम ये चीज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वैष्णो देवी की शक्ति है, इनके पास शक्ति नहीं होती है। ये मरे इनको जगाते हैं, ये जो मरे इंसान को परेशान करते हैं, उनसे काम लिया जाता है। जब ये उसको देना नहीं चाहते ना, फिर वो गलत साधना मांगते हैं, जिन खैस ये मांगते ना, फिर ये है ना बच्चन को मारकर, किसी को मारकर उसकी क्रिया करके ना उनका पेट भरते हैं। ये गलत साधना है, किसी लड़की को तंग करके, कोई जादू मंत्र करके उसको लेके, उसका गलत इस्तेमाल करके उसको मारकर उस पर भोगन चढ़ाया जाता है, ये गलत साधना है। पर हमने माता रानी ने बोला है कि माँ परेशान हो चुकी इस चीज को देखकर, शमशानी काली ने देखा है और मेरे को उन्होंने चुना है कि बेटा इस साधना को तुम कर सकती हो। वृंदावन में मैं थी ना, तो जो मरे इंसान आते थे ना, तो मैं खुद जलाती थी। भी आपने एक बड़ा गड्ढा सा खोद रखा, हाँ, था खोद रखा था। और पूछो वहाँ पे बूचा नाम का एक आदमी को जलाता है, उससे पूछो, मैं खुद सेम आदमी को जलाती थी। मेरे को इजाजत दी गई थी शमशान में आदमी को जलाने के लिए, मैं आदमी को सेम जलाती थी। एक लेडीज भी आती थी, जो लाश आवारी आती थी, लाश गिरी हुई कहीं भी, उसको आग को मैं देती थी और उसका ग्रहण मैं करवाती थी कि जाओ परमात्मा आपके आत्मा को शांति मिले, तो उस आत्मा को शांति मिलती थी, फिर वो किसी बच्चा को किसी पे मतलब प्रभाव नहीं करता था। अच्छा एक चीज बताओ, कि जैसे आप बता रही थी कि वो क्रिया गंदी होती है, हाँ, गलत होती है, हाँ, वो जो होती करते है। हैं, हाँ। आपकी क्रिया कैसी है? मेरी साधक क्रिया है, कोई भी इंसान मरने से पहले मैं उसको हाथ जोड़ती हूँ, जाने से पहले उसके पैर पड़ती हूँ कि देखो आप तो जा रहे दुनिया को छोड़ के, पर अभी कभी लौट कर नहीं आना। किसी परिवार को, अपने बच्चे परिवार को परेशान मत करना। आपका जो भोगन होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, आपको दी जाएगा, नहीं दी जाता है ना, तो वो अपने परिवार को परेशान करता है। परेशानी से उनको लगता है कि हमको ये भोजन दे सकते, नहीं देते ना तो पूरे खानदान में मतलब तकलीफ करे, क्या किसी को मारे, फिर उसकी आत्मा हो जाती है, फिर वो किसी आत्मा को तंग करती है। इसलिए हम बोलते हैं अमावस्या को, पूर्णिमा को, अपने जो मरते हैं
जो बच्चे हो चाहे कोई भी हो मरता है उसके नाम से भोवन, सिर्फ एक बार दो दिन में निकालने से कोई परेशानी नहीं पड़ता। मेरा कहने का यही मतलब है, दो रात में आपका भोवन निकाल के आप उसको दे दीजिए, आपके घर में कोई भी तकलीफ दिक्कत हो तुरंत साफ हो जाएगी। जो नहीं कि किसी पे जाके तंत्र मंत्र करो, बाधा बांधो कि गले में वो करो कि इसको पैसा उसको देना, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने देवी देवतों को मनाना है अमावस्या को पूर्णिमा को ये भोवन निकाल लीजिए, खीर सादा भोजन शुद्ध साकार भोजन। अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे आप जो क्रिया करते हैं उस क्रिया से क्या मतलब लाभ क्या है, क्योंकि क्रिया तो वो भी करते हैं दूसरे जो। हम ये लाभ करते हैं कि कोई एकदम अति गरीब हो जो उसके पास पैसा नहीं हो, जो मेरे आसरा आए कि माँ मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, तो माँ मेरी अपने आप बता देती कि बेटा जा इसको नंबर दे दे। अच्छा जब मैं देती हूँ सट्टा, ऐसे नहीं देती हूँ, नंबर भी देती। हाँ देती सट्टा नंबर भी देती, पर ऐसे नहीं देती मैं कि हर किसी को नंबर सट्टा दूँ, नहीं। जब तक मेरी माँ की इच्छा ना होगी तो ना मैं नंबर कोई भी मांगे फिर भी ना दूंगी मैं। माँ कह रही जांच करेगी, हाँ सच में ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके लड़की को कुछ भी नहीं है, चारों ही लड़की लड़की है कन्या ही है, तो देगी माता ने, तो ऐसे नंबर सट्टा नहीं देगी। अघोरी वगैरह जो होते हैं ये एकदम सुनसान शांत शमशान ऐसी जगह ढूंढते हैं, आप कहाँ यहाँ पब्लिक के बीच में? पब्लिक के बीच में नहीं हूँ मैं, तो अंदर गड्ढा किया था 40-30 फुट गड्ढा किया था, उसमें साधना करती थी मैं, पूछो इनको सबको। रहती थी अंदर गड्ढा में, इतना सा गोल गड्ढा दिखता था, शक्ल भी नहीं दिखती थी मेरी। अंदर गड्ढे में मैंने शमशान बनाए रखा है, यहाँ पे जो भी रहेगा मरेगा, मेरे सिवा कोई यहाँ रहेगा तो कह दी मैंने। तो पहले ही बलि दे चुकी हूँ मैं अपनी, तो इस गड्ढे में पहले मैं जिंदा में लाश बनकर हो चुकी हूँ यहाँ। अच्छा हाँ पूछो जिंदा कैसे हुई? जिंदा तो निकाला है मुझे मरे पे। अच्छा मेरे पे तो मट्टी पूरी गिर गई थी, सब अंदर दब गई थी मैं, एक घंटा के बाद निकाला मुझे, एक घंटा मालिश करी मेरी जब मेरे को होश आया, अभी जिंदा हो गई हूँ। अभी क्या दिन चल रहा है आपकी क्रिया करने की? अभी भी मेरी तो अभी भी साधना चल रही है, अभी भी मेरे व्रत चल रहे हैं, अभी मेरी कन्या नहीं जमी कुछ भी नहीं, अभी तो मेरा व्रत ही चल रहा है। मेरे को यहाँ निकाला गया और भगाया जा रहा है ना, तो कन्या इन्होंने बोला 12 गांव का भोजन होगा तेरे लिए, 12 गांव छोड़ या पानी तक मटका का पानी पीने तक का खड़े का वस्त्र तक ना मिल रहे, वस्त्र तक ना मिल रहे। और बाद में वीडियो में ये बोला जो भी मांगेगी सो पाएगी ये लड़की, इसको हर चीज की मदद रहेगी। और आज अच्छा, यहाँ कुछ भी कब नहीं से है। कब से आप ये सब अघोर क्रिया ये सब ये, ये तो मैंने पूजा पाठ तो बचपन से की है, अघोरी पना ये अभी 6 साल से चालू करी है। पर जो अघोरी पना साधना सच्चे दिल से करे तो वो लगता है। उससे पहले मैं वैष्णवी मतलब माता का जाप करती थी, उसकी पूजा पाठ करती थी। कहाँ रहती थी? मैं महाराष्ट्र रहती थी, महाराष्ट्र से अपने यहाँ आई हूँ। तो मतलब ये तुम ये अघोरी वाली क्यों, दूसरे तमाम साधु होते हैं संप्रदाय के? मुझे तंग कर गया गया था, तंग किया गया था, हर चीज से तंग किया गया था। तो मैंने ये बोला इनकी तंग पना मैं हटाऊंगी, दूर तांत्रिक गिरी पना मैं हटाऊंगी। कौन लोग थे जो थे? तांत्रिक वाले लोग थे, तांत्रिक वाले थे नौकर। हमसे बड़ी सिद्धि किसी पे नहीं है। मैं चेड़बाजी पकड़ लेती हूँ तो उसको खाली नीचे नवा देती हूँ। अरे मुझसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, मेरे से बड़ी शक्ति आपके पास नहीं है। मैं कौन हूँ अभी आप तक को नहीं पता है कि मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, शिव की शक्ति है मेरे पास, इच्छाधारी नाग मणि है मेरे पास। अरे मुझसे बड़ा कोई काम नहीं कर सकता। क्या क्या, क्या क्या था आपके पास? एक तो ये कबूतर, कबूतर था, एक मेरी नाग मणि थी, एक मेरा इच्छाधारी नाग नागिन का सांप का अंडा था, और इच्छाधारी नाग नागिन थे जो मेरे रोज दूध पीते थे, दूध मेरे मेरे दिखा दिखाया मेरे सबको, सांप का दिखाया, डिब्बा में पिटारे वो सब अपनाया गया, ये अंडा से लेकर सब चीज दफनाया गया, पता नहीं उन्होंने क्या गायब कर दिया। लाओ मेरा सामान मुझे लौटा के दो, निकालो ये गड्ढा में से मेरे सब सामान ला के दो, खोदो या गड्ढे को भाई मेरा सामान निकालो, उसमें क्या है।